सो गाइस आज मैं आपको देने वाला हूं इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D की टॉप 10 ऐसी सीक्रेट लोकेशन या फिर सीक्रेट प्लेस पे आप बोल सकते हो जिनको देखने में आपको बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि 98% लोग इन वाली सीक्रेट प्लेस या फिर सीक्रेट जगहों के बारे में नहीं जानते होंगे इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D में। तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, वीडियो को एंड तक जरूर देखना, लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। चलो शुरू करते हैं। सो गाइस जो नंबर 10 की जो लोकेशन है वो हमारे हाउस के पास में वर्क करने वाले। आप सिंपली यहाँ पर आ जाना है एंड आपको सिंपली फोन निकालना है, आपको आपको इन्फिनिटी हेल्थ करनी है, 9129 डायल करनी, जैसे कि आपकी इन्फिनिटी हेल्थ हो जाएगी यार। देन फिर आपको फिर से फोन निकालना, डायल करना है यहाँ पर 1215, जिससे कि यहाँ पर सुपर जंप आपकी ऑन हो जाएगी। अब सिंपली आपको करना क्या है, यहाँ पर आपको जंप मारना है। जैसे आप जंप मारोगे ना, आप आ जाओगे यहाँ पर इस वाले छत के ऊपर और ये जगह मान सकते हो सीक्रेट प्लेस ही होने वाला है। देखो यहाँ पर मैं आ चुका हूँ सिंपली, यहाँ पर देखो यहाँ पर ना आप किसी भी NPS को मार सकते हो, किसी भी पुलिस वाले को मार सकते हो एंड वो आपको बिल्कुल भी नहीं मार पाएंगे, समझ रहे हो गाइस? ठीक है, मतलब एक सीक्रेट प्लेस ये होने वाला है। अभी आपको सिंपली करना क्या है गाइस, ठीक है, ये तो सीक्रेट प्लेस है बट आपको एक और जंप मारनी है, ठीक है। एंड जैसे आप जंप मारोगे ना गाइस, ठीक है, आप आ जाओगे यार इस वाले छत के ऊपर जो कि हमारा हाउस है, छत पर आ जाओगे एंड यार मतलब ये भी एक सीक्रेट प्लेस है आप मान सकते हो। मतलब अगर आप यहाँ पर आ जाओगे ना गाइस, ठीक है, तो आपको ज़ॉम्बी वॉम्बी एंड पुलिस वुलिस बिल्कुल भी देख ही नहीं पाएंगे, ठीक है। बट रुको एक मिनट, आपको और ऊपर जाना है एंड देखो यहाँ पर आने के बाद आपको कोई भी पुलिस वाला एंड कोई भी ज़ॉम्बी नहीं देख पाएगा, मतलब यहाँ पर आप भाई हाइड हो चुके हो एक प्रकार से। तो यार ये वाली लोकेशन काफी अच्छी है बट आपको और आगे जाना है, ठीक है। एंड देखो ये वाली सीक्रेट प्लेस है यहाँ पर। सो गाइस बताओ कमेंट में कि सीक्रेट प्लेस आपको कैसे लगी। बट रुको देखो यहाँ पर एक खतरनाक ग्लिच भी, देखो ये ग्लिच लग चुका है यहाँ पर। अब जैसे मैंने यहाँ पर जंप किया ना गाइस, ठीक है, तो मेरा हाथ यहाँ पर दीवार के अंदर अटक गया, पता नहीं क्यों अटका बट अटक गया एंड मैं इस प्रकार से मूवमेंट कर रहा हूँ गाइस। तो ये काफी खतरनाक ग्लिच भी हो चुका है यहाँ पर, तो ये वाला ग्लिच भी आप गेम के अंदर ट्राई कर सकते हो। अब बढ़ते हैं यहाँ पर नेक्स्ट वाली लोकेशन की तरफ। नंबर 9 की लोकेशन काफी तगड़ी होने वाली है एंड ये वाली लोकेशन यहाँ पर वर्क करने वाली है, जहाँ पर इस प्रकार से कुछ बना हुआ है। बट यार मैं नीचे गिर गया, कोई बात नहीं गाइस, है ना, अब मैं खड़ा होता हूँ जल्दी से एंड आपको सिंपली करना है कि आपको सिंपली यहाँ पर आकर फोन ओपन करना है। सबसे पहले आपको लगानी है यहाँ पर सुपर जंप ऑन करनी है, फिर वो आपको ऊपर उछल जाना है, ठीक है, जिससे कि आप यहाँ पर आ जाओगे, ठीक है। अभी देखो मैं यहाँ पर आ चुका हूँ, ठीक है, बट मुझे ना यहाँ पर कोई देख नहीं पाएगा, ना तो पुलिस देख पाएगी और ना ही कोई ज़ॉम्बी वॉम्बी देख पाएंगे, ठीक है। ये देखो ये भी एक सीक्रेट प्लेस आप मान सकते हो जो कि इस प्रकार से है। बस आपको जंप लगाना है, सुपर जंप फोन करना है 1215 डाल करके एंड सिंपली आप यहाँ पर आ जाओगे। देखो यहाँ पर आ चुके हो एंड यहाँ से आप किसी भी मतलब एनिमी को मार सकते हो, किसी भी मतलब ज़ॉम्बीज को मार सकते हो एंड ज़ॉम्बीज मोड को लगाकर इस वाली ट्रिक को लगाना, इस वाली लोकेशन पर आना, आप बहुत सारे ज़ॉम्बीज को मार पाओगे बट ज़ॉम्बीज आपको नहीं मार पाएंगे। बट वेट, सामने ये क्या है भाई, आपने कुछ नोटिस किया यहाँ पर? देखो मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है, बट यार ये क्या है यहाँ पर, ऐसा लग रहा है कि किसी कार का ये कुछ टुकड़ा है, कुछ कार का पार्ट मेरे को लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि सुपरा कार का पार्ट मुझे लग रहा है। बट ये यहाँ पर कैसे आ गया गाइस, यार ये तो एक मिस्ट्री बन चुका है यहाँ पर भाई। देखो ऐसे इसको शूट करता हूँ बट ये फूट नहीं रहा है गाइस, ठीक है, बट कोई नहीं, छोड़ो इसको। अभी देखो सामने यहाँ पर बहुत सारे NPS इनको मारना पड़ेगा। अब गाइस देखो अगर आप NPS को मारते हो तो ऑब्वियसली यहाँ पर पुलिस आएगी, ठीक है, बट वो पुलिस ना गाइस आपको देख ही नहीं पाएगी बिकॉज आप तो ऊपर हो, तो ऊपर तो भाई पुलिस वाले आ नहीं सकते। तो ये वाला लोकेशन काफी अच्छी है, बढ़ते हैं नेक्स्ट लोकेशन तरफ। तो गाइस यार ये लोकेशन काफी अच्छी मेरे को लगती है। देखो सामने यहाँ पर एक कार पार्किंग का आपका कुछ दिख रहा होगा जिसको भाई बंद है वो, लेकिन गाइस इसके अंदर हम कैसे जा सकते हैं, एंटर कैसे कर सकते हैं? आपको किसी भी रैंडम गाड़ी को लेके आना है जो कि मतलब फोर व्हीलर होनी चाहिए गाइस, ठीक है, एंड उसको लाने में इस प्रकार से खड़ी करना है। सिंपली आपको करना है एग्जिट करना है, जैसे एग्जिट करोगे तो आप आ जाओगे इसके कार पार्किंग के अंदर। बट देखो यहाँ पर कुछ इतना कास्ट तो मेरे को नहीं लग रहा है कि कुछ कास्ट इसके अंदर होगा, बट हाँ इतना है कि इसके अंदर हम आ सकते हैं एंड ये भी काफी सीक्रेट प्लेस है भाई, ठीक है, सीक्रेट प्लेस मान ही सकते हो आप, ठीक है, तो इसको जो ट्राई करना है। एंड अब बढ़ते हैं यहाँ पर नेक्स्ट वाले सीक्रेट प्लेस की तरफ। यहाँ पर नंबर 7 पर यह वाली सीक्रेट प्लेस आती है, तो आपको यहाँ पर सिंपली आ जाना है एंड आपको करना क्या है, देखो आपको सिंपली फोन निकालना है, ठीक है, फोन निकाल कर आपको करना क्या है, RG टूल में आपको लिखना है यहाँ पर LOAD लोड टाइप करना है एंड सिंपली सेव कर देना है लोड टाइप करके। अब जैसे सेव करो ना, आप आ जाओगे यहाँ पर एक सीक्रेट प्लेस पर और देखो ये सेव किया मैंने एंड मैं आ चुका हूँ वहाँ पर एक सीक्रेट प्लेस के अंदर, यानी कि आप इसको इन्फिनिटी होल भी बोल सकते हो। आपको गेम को क्लियर करना पड़ेगा या फिर गेम को डाउनलोड करके अनइंस्टॉल करो, वापस से ओपन करोगे तब आप RG टूल के अंदर लिखना यहाँ पर लोड, फिर आपके साथ ये वाला मैजिक होने वाला है गाइस। ओके नंबर 6 की ये वाली लोकेशन यहाँ पर हमारी एयरपोर्ट के ऊपर वर्क करने वाली है, मतलब एयरपोर्ट पर यहाँ पर एक सीक्रेट प्लेस होने वाला है गाइस, ठीक है, तो आपको सिंपली अपने गाड़ी को लेना है यहाँ पर आ जाना है। देखो यहाँ पर ये वाला लोकेशन में भाई है तो बट बहुत यहाँ पर बंदे कम आते हैं, ठीक है, यानी बहुत बंदे यहाँ पर कम आते हैं, तो आपको सिंपली यहाँ पर सुपर जंप ऑन कर लेनी है। पहले आपको इन्फिनिटी हेल्थ करनी है, फिर बाद में सुपर जंप ऑन कर लेनी है गाइस, ठीक है, जिससे कि आपको डैमेज ना पड़े एंड सुपर जंप से आप सुपर जंप कर सको गाइस, ठीक है।
तो आपको सिंपली सुपर जंप करनी है जिससे कि आप आ जाओगे यहाँ पर इसके ऊपर, ठीक है। एंड आपको सिंपली खड़ा होना है, आगे बढ़ना है गाइस, ठीक है। इस प्रकार से आप आगे आ जाओगे। सो गाइस देखो यार, ये लोकेशन काफी तगड़ी लोकेशन है। सबसे पहले देखो यहाँ पर आपने हेलीकॉप्टर को लेके आ सकते हो, और हेलीकॉप्टर को लेकर आकर ना देखो यहाँ पर आप लैंड करा सकते हो। यहाँ पर हेलीकॉप्टर की लोकेशन बना रखी है गेम वालों ने, यहाँ पर आप हेलीकॉप्टर लैंड करा सकते हो गाइस, ठीक है। उसके साथ यहाँ पर देखो ये लोकेशन काफी सीक्रेट मानी जाती है, यहाँ पर कोई भी बहुत कम लोग आते हैं, ठीक है। ये देखो यहाँ पर लेब आपको सामने दिख रहा है, एंड यहाँ पर खड़े होकर ना आप पूरी सिटी को देख सकते हो। देखो मतलब इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D की पूरी सिटी आपको दिख रही है गाइस, देख लो सामने से भाई पूरी सिटी आपको दिख रही है, तो इस प्रकार से देख सकते हो। अब बढ़ते हैं यहाँ पर नेक्स्ट वाली सीक्रेट लोकेशन की तरफ। ये वाला लोकेशन यहाँ पर एयरपोर्ट के ऊपर वर्क करने वाले, आपको सिंपली सुपर जंप लगा लेना है एंड यहाँ पर आ जाना है गाइस, ठीक है। जिससे कि आप इसकी लेब के ऊपर आ जाओगे, मतलब जो एयरपोर्ट के ऊपर लेब है ना उसके ऊपर आ जाओगे। अभी गाइस देखो यहाँ पर कितने फायदे आपको देखने को मिलेंगे वो देखना गाइस, ठीक है। यहाँ से आप किसी भी ज़ॉम्बीज को किल कर सकते हो, बिकॉज यहाँ पर अगर आप ज़ॉम्बी मोड लगाओगे ना गाइस, ठीक है, यहाँ पर बहुत सारे ज़ॉम्बी आ जाएंगे जिससे कि आप उनको किल कर सकते हो। देखो यहाँ पर आ चुका हूँ मैं, एंड देखो आप ज़ॉम्बीज को किल कर सकते हो, एंड ज़ॉम्बीज आपका कुछ भी नहीं कर पाएंगे। अदरवाइज अगर आप नीचे रहोगे ना तो ज़ॉम्बीज आपको खा जाएंगे भाई, मार देंगे मतलब पूरा। बट अगर आप इस लेब के ऊपर आकर इनको मारोगे ना गाइस, ठीक है, तो वो आपको कुछ भी नहीं कर पाएंगे, एंड एनपीएस को भी आप मार सकते हो स्नाइपिंग से। सो गाइस यार पुलिस भी आप कुछ भी नहीं कर पाएगी इस वाले लोकेशन पे आने के बाद में, तो लोकेशन काफी अच्छी है, ट्राई जरूर करना इस वाले लोकेशन को यार। तो यहाँ पर नंबर 4 की सीक्रेट लोकेशन काफी अच्छी होने वाली है। आपको किसी भी रैंडम गाड़ी को लेके आना है, एंड किसी भी रैंडम ऐसी बिल्डिंग को फाइंड कर लेना है, देन फिर आपको ये वाली गाड़ी इस प्रकार से लगानी है, एंड सिंपली आपको करना है कि आपको एग्जिट करना है जिससे कि आप इस वाली बिल्डिंग के अंदर आ जाओगे। यस मैं आ चुका हूँ इस वाली बिल्डिंग के अंदर। आपको सिंपली आप करना क्या है देखो, एंड ये वाली आप एक सीक्रेट प्लेस ही मान सकते हो, बट इसी सीक्रेट प्लेस के अंदर एक खतरनाक ग्लिच भी वर्क करने वाला। सिंपली अपने फोन निकालना है, एंड यहाँ पर आपको डायल करना है 01212, जिससे कि यहाँ पर वो वाले ट्रैक पे ट्रोल आ जाएगा। एंड देखो भाई ये खतरनाक बम्पर मार रहा है, जैसे मैंने इसको मंगाया तो बम्पर मार रहा है, एंड मेरी सुपरा पूरी तरह टूट चुकी है। यहाँ पर वापस से मंगाते हैं यहाँ पर, और ये देखो भाई क्या एक खतरनाक जंप मार रहा है भाई, मतलब ये वाला ट्रैक पे ट्रोल है ना यहाँ पर इस वाले बिल्डिंग के नीचे फंस चुका है। बट देखो यहाँ पर एक खतरनाक सी मतलब सीक्रेट प्लेस एक और वर्क करती है, तो वो बताऊंगा आपको मैं। तो आपको यहाँ पर एक टैंक को मंगाना पड़ेगा जिसका चीट कोड यहाँ पर 4040, जिसके वाला टैंक आ जाएगा। सिंपली टैंक के अंदर बैठना है, एंड आपको टैंक को ना इस प्रकार से आगे लेके जाना है। जैसे आप जाओगे ना गाइस, ठीक है, तो आप टैंक समेत यहाँ पर गिर जाओगे इन्फिनिटी होल के अंदर, मतलब टैंक समेत, समझ रहे हो गाइस। तो ये लोकेशन भी यहाँ पर एक सीक्रेट प्लेस है, आप मान सकते हो, काफी खतरनाक ये वाला लोकेशन है, इसको ट्राई जरूर करना, काफी ज्यादा मजा आने वाला है आपको। एंड भाई देखो मैं यहाँ पर वर्ल्ड के अंदर गिर रहा हूँ, रुक नहीं रहा हूँ बल्कि गिर ही रहा हूँ मैं, ठीक है। इस वाला लोकेशन ट्राई करना, बढ़ते हैं यहाँ पर नेक्स्ट वाली सीक्रेट लोकेशन की तरफ। ओके यार, नंबर 3 की लोकेशन यहाँ पर ट्रेन के पास में वर्क करने वाले। सिंपली ट्रेन के पास में आना है, सिंपली अपने फोन को आपको निकालना है। सबसे पहले आपको यहाँ पर इन्फिनिटी हेल्थ कर लेनी है, ठीक है। अब आपको सिंपली वापस फोन निकाल कर यहाँ पर सुपर जंप ऑन करना है 1215 डाल करके, जिससे कि सुपर जंप ऑन हो गया, एंड आपको सुपर जंप लगा देना है सिंपली, एंड फिर आ जाओगे यहाँ पर आप इस वाली लोकेशन पर, जहां पर मुझे लगता है कि न्यू पल्सर बिल्कुल भी नहीं आ सकता कोई भी। सो गाइस देखो यहाँ पर आने के फायदे क्या है, आप किसी भी एनपीएस को मार सकते हो, बिकॉज यहाँ पर ट्रेन के पास में बहुत सारे एनपीएस ऑलरेडी होते हैं, तो उनको आप मार सकते हो। बट यहाँ पर पुलिस आएगी ना, पुलिस आपका कुछ भी नहीं करेगी, बिकॉज आप ऊपर रहोगे, एंड ऊपर तो पुलिस आ ही नहीं सकती ना भाई, तो पुलिस में इतना दिमाग है ही नहीं कि ऊपर आ जाए। देखो यहाँ पर सामने एक और एनपीएस, उसको मारूंगा मैं, बट यहाँ पर पुलिस कुछ भी नहीं आएगी। एंड साथ साथ आप ज़ॉम्बीज को आप मार सकते हो, क्राइम व्राइम फुल कर सकते हो, बट आपको कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। मतलब आपको बहुत से बार पुलिस मार देती है अगर आप किसी एनपीएस को मार देते हो तो, बट इस वाली लोकेशन पे आप किसी भी पुलिस को मारना भाई, किसी भी पुलिस को मार देना, आपको सबको मार देना भाई, बट कुछ भी नहीं होने वाला आपको। मतलब काफी खतरनाक एंड सीक्रेट लोकेशन मेरे को लगती है, तो इस वाले लोकेशन को जरूर ट्राई करना। ये वाला लोकेशन यहाँ पर ट्रेन के पास में वर्क करने वाली। ओ लो भाई यहाँ पर पुलिस भी आ चुकी है, बट यार मैंने कहा कि पुलिस आपका कुछ भी नहीं कर पाएगी, बिकॉज पुलिस नीचे ही रहेगी, बट वो आपको देख नहीं पाएगी, ठीक है। तो इस वाले लोकेशन ट्राई करना, बढ़ते हैं नेक्स्ट लोकेशन की तरफ। सो गाइस देखो मैं आपको सीक्रेट लोकेशन बताता हूँ, ठीक है। आपको यहाँ पर आ जाना है जहाँ पर जुरासिक पार्क होता है, जहाँ पर अंडे पड़े होते हैं ना, वहाँ पर आ जाना है, एंड यहाँ पर आपको फायरिंग करना है। एंड जैसे आप फायरिंग करोगे, ये देखो भाई यहाँ पर एक घर आ चुका है जो कि एक सीक्रेट लोकेशन है। अरे भाई मजाक कर रहा हूँ, मैंने एडिट कर दिया गाइस यार, लेकिन अगले वाले लोकेशन बहुत ही मस्त होने वाली है। यहाँ पर नंबर 2 लोकेशन यहाँ पर ट्रेन के पास में वर्क करने वाली है, एंड ये लोकेशन काफी तगड़ी है। आपको सिंपली आ जाना है, एंड सिंपली थोड़ा बहुत जंप करना है जिससे कि आप आ जाओगे इसके ऊपर। अब मान सकते हो कि यार ये भी एक सीक्रेट लोकेशन ही है, बट इसी के अंदर एक और सीक्रेट लोकेशन आपको बताऊंगा मैं। तो सिंपली आपको करना क्या है, अपने फोन को सिंपली निकाल लेना है, एंड आपको एक चीट कोड डायल करना पड़ेगा जो कि है यहाँ पर 5000, जिससे कि यहाँ पर एक बाइक आ जाएगी। आप किसी भी रैंडम बाइक को मंगा सकते हो, बट ये पल्सर बाइक मेरी फेवरेट बाइक है, इसलिए मैं इसको मंगाऊंगा।
तो आ चुके हैं यहाँ पर एक बाइक। अब आपको सिंपली इसके ऊपर बैठ जाना है एंड आपको इसको आगे लेके जाना है जिससे कि आप ट्रेन के ऊपर चल पाओगे, ठीक है। तो गाइस देखो यहाँ पर ट्रेन के ऊपर आ चुका हूँ एंड ये भी एक सीक्रेट प्लेस है, आप मान सकते हो इस प्रकार से, आप ट्रेन के ऊपर भी आ सकते हो। तो अब बढ़ते हैं यहाँ पर नेक्स्ट वाले सीक्रेट प्लेस की तरफ, लेट्स गो गाइस। ओके नंबर वन की जो सीक्रेट प्लेस है ना, ये काफी खतरनाक है एंड काफी मजेदार भी आप बोल सकते हो गाइस, ठीक है। तो आपको किसी भी रैंडम बाइक को लेके आकर आपको समुद्र के अंदर जाना है, ठीक है, मतलब इंडियन बाइक ड्राइविंग थ्रीडी का जो समुद्र, उसके अंदर जाना है एंड आपको चलते रहना, बट ध्यान रखना है कि इस समुद्र, मतलब समुद्र की जो एंड है ना वो कहाँ पे आता है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है जैसे समुद्र का एंड आए ना वहां पर आपको सिंपली ब्रेक लगा देना। देखो आपने ब्रेक लगा दिया है, अभी देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हमारी इंडियन बाइक ड्राइविंग थ्रीडी की सिटी का एंड हो रहा है, मतलब जगह का एंड हो रहा है। इसके बाद में आप इन्फिनिटी होल के अंदर गिर जाओगे, देखो मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। एंड दिखने में देखो इतना खतरनाक लग रहा है, देखो इधर भाई इन्फिनिटी होल का एरिया है एंड इधर हमारी इंडियन बाइक ड्राइविंग थ्रीडी की धरती है, मतलब यहाँ पर धरती का एंड हो चुका है, पृथ्वी का एंड हो चुका है इस प्रकार से आप बोल सकते हो। देखो मैं दोबारा उतरता हूँ एंड अगर आप उतरोगे तो आप समुद्र दिखाई देगा, अगर आप वापस से बैठ जाओगे ना गाइस, ठीक है, तो आपको इन्फिनिटी होल एंड इंडियन बाइक ड्राइविंग थ्रीडी की सिटी का एरिया दिखाई देगा। तो ये काफी खतरनाक दिखने में लगता है, इस प्रकार से आप आगे आना है आपको। देखो मैं वापस से एक बार उतरता हूँ, ठीक है, देखो उतरता हूँ मैं वापस से एंड वापस से आपको दिखाता हूँ कि क्या ही खतरनाक चीज है, मतलब सीक्रेट प्लेस तो बोल ही सकते हो एक प्रकार से। मैं उतरा, ये देखो भाई मैं उतर गया एंड आपको सिंपली वापस से बैठ जाना है। जैसे आप बैठोगे ना गाइस, ठीक है, तो आपको तो इन्फिनिटी होल पूरा दिखाई दे रहा है इस प्रकार से एंड अब आपको क्या करना है, आपको इन्फिनिटी होल के अंदर गिर जाना है एंड जैसे आप यहाँ पर इन्फिनिटी होल के अंदर गिरोगे ना गाइस, ठीक है, तो ये भी एक सीक्रेट प्लेस ही बन चुका है एक प्रकार से। सो गाइस होप करता हूँ कि यार वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना, इस वीडियो को शेयर करना एंड भाई वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो, नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो कमेंट करना। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट, गुड बाई।